पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे अपनी माँ को कोलकाता में अकेला छोड़कर आना पड़ा था, लेकिन बनारस आने के बाद मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो मैंने कुछ डिसाइड किया। अब आगे। हाँ तो भाई, सीन ये है कि मैडम तो जा रही हैं अपने पापा से मिलने। सैड पार्ट ये है कि मैं इस वक्त अपने ससुर को नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मेरा मेरी मम्मी के पास होना जरूरी है। हाँ, मैं अपनी वाइफ और अपनी बच्ची की शायद वो कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं जा रहा हूँ वापस। तो भाई, मैंने वापस किया अपना बैग पैक और रेडी हो गया वापस कोलकाता जाने के लिए। सेम टी शर्ट पहनी है, जनरल में तो जाना है, गंदा ही तो होगा। रामनगर से पकड़ा ऑटो और आ गया मुगल सराय, ओ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। स्टेशन पहुंच गए भाई। 12 घंटे की जर्नी आने वाली है, उम्मीद करेंगे 10 घंटे में खत्म हो जाए। मैं इसके पहले भी जनरल में गया हूँ, लेकिन जनरल में 10 घंटे की जर्नी ये मेरा पहली बार होने वाला। लेकिन अपनी ट्रेन हो गई 2 घंटा लेट। फाइनली मेरी ट्रेन आ गई और लाइफ में पहली बार जनरल कोच में पूरे 10 घंटे बिताने के लिए मैं आ गया अपनी ट्रेन में। ट्रेन में बैठ गए हैं, किसी तरह सीट मिल गई है। अब जो भी जैसा भी होगा, रात बिताते हैं, मिलते हैं आपसे। सुबह 7 बजे मैं उतरा हावड़ा स्टेशन में और भाई यार, 2 रात ना सोने की वजह से मेरी आंखें सूज आई थी। तो भाई फाइनली पहुंच गया हावड़ा जंक्शन। पूरे 2 रातों से सो नहीं पाने की वजह से मेरी आंख जल रही है, सर भी भारी हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ बस कितनी जल्दी मैं यहाँ से घर पहुँच जाऊँ। फिलहाल मौसम सही है, बस अपने साथ यही है, थोड़े बहुत सीन दिखाते हुए चलते हैं सीधा घर, क्योंकि मेरी हालत नहीं ज़्यादा बात करने की। हावड़ा स्टेशन से एसी बस लेकर सीधा पहुंचा मैं बांसद्रोड़ी। अपनी फेवरेट दुकान से अपने फेवरेट पूड़ी छोले पैक करवाए और सीधा पहुंचा घर। तो भाई घर पहुंच गए, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज हियर। बाकी मम्मी का रिएक्शन आप खुद देखिए। अरे वाह, मजा से दूल्हा आ गया। अच्छा अभी मैं खाना ना नहीं बनाई, मैं मशीन में बैठी सिलाई कर रही हूँ। ओह माय गॉड, तभी मेरा भाई आउट करा रहा था आपको। पहले मेरे को सही बताइए, ये सरप्राइज हुआ कि नहीं? सरप्राइज था, मेरा भाई आंख फड़फड़ा रहा था। कोई बोला नहीं ना आपसे? नहीं। हाँ भैया, तो आप सभी ने मम्मी का रिएक्शन देखा होगा। उम्मीद है मम्मी को भी अच्छा लगा होगा, सबको अच्छा लगा होगा कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। वैसे 2 रात हो चुकी, अभी तक ठीक से सोई नहीं है, लेकिन ये सब वर्थ होता है जब आपकी माँ आपको एक बड़ी सी स्माइल के साथ वेलकम करती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आके। लगभग 1 हफ्ता भी यहाँ रहना है, तो काफ़ी सारे काम अब यहाँ पर होंगे, जो कि मैं आपको बताया हूँ कि भुवनेश्वर पापा का ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे काम हो गए हैं। तो यहाँ पर इस बार मुझे बैठना नहीं है, मज़ा नहीं लेना है, काम करना है बहुत सारे। तो थैंक यू, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है एक लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन द केस अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बाल वीडियो की शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे कैसे हैं, सेटवेट जिंदाबाद।